जब तक वोट ना पड़ जाए हवा के रुख बदलने की संभावनाएं बनी रहती हैं। ये कहावत कहीं तो मतदाताओं के लिए जाती है, लेकिन यह नेताओं पर भी सही बैठती दिख रही है, खासकर हरियाणा के चुनाव में। करीब घंटे भर पहले तक सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करते रहे अशोक तंवर अब कांग्रेसी हो गए हैं। हरियाणा चुनाव के लिए प्रचार थमने से कुछ घंटे पहले अशोक तंवर ने राहुल गांधी की जिंद रैली में पहुंचकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। अशोक तंवर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अशोक तंवर के राहुल गांधी के मंच पर पहुंचने, पार्टी में शामिल होने का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया है। अशोक तंवर हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी थे। बीजेपी ने उन्हें कैंपेन कमेटी का सदस्य भी बनाया था। पूर्व सांसद अशोक तंवर राहुल गांधी की रैली में पहुँचने से पहले बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार भी कर रहे थे। अशोक तंवर ने नलवा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रणधीर पनिहार के समर्थन में एक दिन पहले हुई रैली की तस्वीरें पोस्ट करते हुए जीत का भरोसा व्यक्त किया था। उन्होंने दावा किया था कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। पूर्व सांसद अशोक तंवर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भी बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। राहुल गांधी की रैली के मंच पर पहुंचने से करीब दो घंटे पहले ही उन्होंने जिंद की सफीदों विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार गौतम के समर्थन में हुई रैली में भी वह स्टेज पर थे। अशोक तंवर ने इस रैली से संबंधित तस्वीरें भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की थी। उनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद ये पोस्ट अब डिलीट हो गई है। इस रैली की तस्वीरें शेयर करते हुए अशोक तंवर ने लिखा था कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज सफीदों जिंद से बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार गौतम जी के पक्ष में आयोजित जन आशीर्वाद रैली के उपस्थित जनों को संबोधित किया। वह 5 अक्टूबर को कमल के फूल का बटन दबाकर हरियाणा बीजेपी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की। हरियाणा वासी तीसरी बार नॉनस्टॉप बीजेपी की सरकार बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।